नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। वहीं देश भर में भी आ रहे आंकड़ों का ऐसा ही कुछ हाल है। यही कारण है कि देश भर में मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से बीते दिन अपील की है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि कोविड 19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। कोविड 19 संक्रमण को लेकर बढ़ती जा रही सावधानियों को ढीला नहीं पड़ने देना है। साथ ही 5 मुख्य काम को निरंतर प्रभावी तरीके से करते रहने की अपील की गई है, जिसमें कोविड 19 जांच, संक्रमण की ट्रैकिंग, इलाज, टीकाकरण और कोरोना को लेकर अपनाए जा रहे व्यवहार शामिल है। इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने गुरुवार को सभी मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि अपने स्तर पर आप राज्य के सभी जिलों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी करें कि वो कोविड 19 को लेकर प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए। गृह सचिव ने भी इस दौरान यही लिखा कि देश में कोविड 19 संक्रमण के मामले घट रहे हैं और कभी बढ़ रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 22 लाख से ऊपर हो गई है। हालांकि अधिकांश संक्रमित जल्दी ठीक हो रहे हैं और अस्पताल में भर्ती होने के मामले में बहुत कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद हर दिन देश के 34 राज्यों के 407 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है, यानी कि स्थिति अभी भी काफी ज्यादा अनियंत्रित नजर आ रही है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों से साफ अपील की है कि भले ही कोविड 19 के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हो, लेकिन किसी भी हाल में ढिलाई बरता न जाए। उनके ऊपर ही ये गलती हावी हो सकती है, क्योंकि कोविड 19 की प्रवृत्ति ही यही रही है कि उसके मामले जितनी तेजी से ऊपर बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरते हैं, लेकिन उसमें उछाल कभी भी हो सकता है। इन्हीं सब संभावनाओं को देखते हुए सभी राज्यों से सख्ती बनाए रखने की अपील की गई है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां से लगातार ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है कि वहां पर कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि वहां पर ढिलाई देना शुरू कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार ने यह निर्णय जारी कर दिया है और सभी राज्यों से अपील की है कि वो किसी भी हाल में कोविड 19 के मामलों में आ रही गिरावट के कारण ढिलाई ना दे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।